हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम मल्टीपल इंटीग्रल के इस टॉपिक में पोलर कोऑर्डिनेट का पार्ट फोर करेंगे। इसके पहले पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री कवर किया जा चुका है। पार्ट वन एंड टू कॉन्सेप्ट के वीडियोस हैं। अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो पार्ट वन एंड टू आप वीडियो वॉच कर लीजिए। पोलर कोऑर्डिनेट के सारे क्वेश्चंस जो मैं बताऊंगा उसके सारे के सारे जो डीपली कॉन्सेप्ट हैं आपको इन दोनों टॉपिक के अंदर मिल जाएंगे। आप सारे क्वेश्चंस करने की कंडीशन में रहेंगे। इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी चाहिए जिससे आपको ये जो पोलर कोऑर्डिनेट को अप्लाई कैसे करना वो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसी सीरीज में आज हम पार्ट फोर करेंगे। पार्ट फोर में क्वेश्चन नंबर थर्ड है। इसके पहले दो तीन क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ, तो आइए देखते हैं, अप्लाई करते हैं। देखिए क्वेश्चन ये गिवन है, देखो क्वेश्चन है चेंज द इंटीग्रल, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन दे के रखा है इन पोलर। तो क्वेश्चन है आसान, इस चीज़ के लिए क्वेश्चन करने के लिए क्या कर देते हो। देखो सबसे पहले हम इसमें अगर क्वेश्चन ऐसा गिवन है तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं आई इक्वल्स टू। कोई सा भी क्वेश्चन, ये ऐसा एक टॉपिक नहीं है, हर एक टॉपिक में मैंने ये चीज़ अप्लाई किया है। माइनस ए टू ए क्या है, जीरो टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, और ये आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई, ये कुछ ऐसा है। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे आप ना, अगर हम लिमिट की अगर बात कर लें, अगर आप लिमिट की बात करें तो वाई कुछ क्या है, वाई की लिमिट एक बार जीरो है, एक बार क्या है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ठीक है, वाई की लिमिट एक बार जीरो है, एक बार क्या है वाई कुछ टू, देखो यहाँ पे जीरो है क्योंकि ये एक्स के टर्म में है, तो ये आपकी वाई की लिमिट रहेगी और बाकी जो ये एक्स के लिए लिमिट हो जाएगी ये भी एक्स के लिए लिमिट हो जाएगी, क्योंकि फंक्शन में दो ही टर्म है एक्स और वाई। अगर ये वाई की लिमिट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला एक्स का लिमिट होगा। ठीक है, वाई कुछ क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। ठीक, ये सर्कल का इक्वेशन है, तो इसका मतलब जो हमारा कहीं ना कहीं जो बाउंड्री बनेगी सर्कल के लिए ही बनेगी। अब देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। और एक्स का अगर आप देखिए, एक्स की जो लिमिट क्या है माइनस ए टू ए है, कैसे हमने डिसाइड किया देख लीजिए आप, ये माइनस ए टू ए है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन से भी बहुत सारी चीज़ें आपके टर्म बाहर निकल के आती हैं। ठीक है, अब कैसे इस चीज़ को करेंगे, देखिए मैं पहले एक्स और वाई कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेट में दिखा देता हूँ आपको, कुछ ऐसा है। अब ध्यान से देखिए, अगर इस चीज़ को अगर हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो पहले आप सर्कल बना लीजिए, ये सर्कल है। ठीक, ये सर्कल है, इस सर्कल में हमें चीज़ें रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए ये माइनस ए टू है, एक्स एक्सिस से माइनस ए का मतलब क्या है, या फिर माइनस ए कॉमा जीरो होगा या फिर ए कॉमा जीरो होगा, एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन का मतलब यही होगा। ठीक, और वाई एक्सिस पे क्या है, एक बार जीरो है, तो जीरो पे देखो अगर आप वाई एक्सिस जीरो की बात करोगे तो आपको दो ही पॉइंट मिलेंगे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, ऐसा कुछ है। अब देख लीजिए अगर वाई की वैल्यू, अब क्वेश्चन में देख लीजिए अगर वाई की वैल्यू अगर देखिए तो वाई की वैल्यू एक बार क्या है जीरो है और एक बार क्या है ये अंडर रूट के अंदर, तो अंडर रूट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं कभी नेगेटिव नहीं होती, ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो रहेंगी जो कि पॉजिटिव मानी जाएंगी, यहाँ पे y की वैल्यू जीरो है, मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव टर्म में ही है। तो अब ध्यान से देखिए अगर इसमें x और y एक्सिस की, देखो ये आपका y एक्सिस है और आपका ये x एक्सिस है, तो रिप्रेजेंटेशन करना पता है आपको कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं चीज़ें, कहाँ पे प्लस कहाँ पे माइनस होता है। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकेंड कोऑर्डिनेट है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट है और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारी वैल्यू जो होती है प्लस के साथ होती हैं, मतलब अगर अगर हम कहें अगर तो इन दोनों प्लेन में, इन दोनों प्लेन्स में y की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, और हमें माइनस ए टू ए पता भी है यहाँ से लग रहा है, तो इसका मतलब हम इनडायरेक्ट वे में हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, ये जो ये वाला एरिया है, ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करेंगे, है ना। मतलब इसके अंदर का जो भी एरिया है, ये ऊपर इसके ऊपर एरिया, इस वाले पार्ट को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, कर लेते हैं, ये मान लो वो है सेंटर है। ठीक, और ये आपका क्या है, किस चीज़ का इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्व टू ए स्क्वायर, ये सर्कल के लिए रिप्रेजेंटेशन है इसका। अब देखिए अब चीज़ों को कैसे करते हैं, हमें मालूम है एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। या फिर इसको हम ऐसे भी अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आर स्क्वायर कर सकते हैं, आर की वैल्यू ए है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक। अब इसको पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती है फटाफट देख लेते हैं। अगर आपको पोलर में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू क्या है आर कॉस थीटा, एंड वाई इक्वल टू क्या होता है आर साइन थीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है आर स्क्वायर, ये होता है, इतनी चीज़ें पता है। या फिर अगर आर बराबर लिखेंगे यहाँ दोनों से, अगर इसको इसको कंबाइन करके लिखा जाए तो आर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये समझ में आ गया। और जहाँ पे क्या हो सकता है डी एक्स कॉमा डी वाई बराबर क्या है आर डी थीटा, ये पता है आप लोगों को, पहले से मैं बता चुका हूँ, कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, जो हमारा आर वेरी करता है, आर वेरी जो कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, आर वेरी फ्रॉम, और दूसरे कंडीशन में क्या है थीटा की बात करेंगे तो थीटा क्या है हमारा, थीटा वेरीज, आप सभी बताइए थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, वेरीज फ्रॉम जीरो टू पाई, कैसे देखिए। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखिए, ये जो इनिशियल लाइन आपकी जीरो डिग्री पे होती है, ये 90 डिग्री पे होती है, और ये पाई पे होती है, और हमें सिर्फ इसी का एरिया फाइंड आउट करना है, तो मतलब क्या होगा जीरो टू पाई हो जाएगा, कंफर्म, ठीक। आप देख लीजिए जीरो टू पाई जब हो गया, इतनी चीज़ें मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं लिमिट क्या लेना है, ठीक। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो फटाफट जो क्वेश्चन हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में उसको मान लो, उसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आई क्वेश्चन क्या हो जाएगा जीरो टू पाई, और इसको लिख सकते हैं जीरो टू ए आर इंटू आर डी थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इसको बस सॉल्व करके लिखा जाए तो क्या हो जाएगा आर क्यू ओवर थ्री डी थीटा, और लिमिट जो भी है जीरो टू पाई, दूसरी लिमिट क्या है ऐसा कुछ है, इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ए क्यू बाई थ्री हो जाएगा, और इसको जीरो टू पाई डी थीटा, ठीक है। ये बात कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज़ को अगर हम वन बाई थ्री चाहे बाहर भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको अगर लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा ए बाई थ्री, ए भी कॉन्स्टेंट है, ये क्या हो जाएगा थीटा जीरो टू पाई आ जाएगा, जिसको सॉल्व करेंगे ए बाई थ्री और पाई माइनस जीरो करो कितना जाएगा पाई, ठीक ठीक है। तो यहाँ पे ए क्यूब बाई थ्री कॉमन था, अगर इस चीज़ को अगर रखा जाएगा क्या ए क्यूब पाई बाई थ्री, तो ए क्यूब पाई बाई थ्री इसका एग्जैक्टली में आंसर यही होगा। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन करने के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें की, सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले हमने लिमिट डिसाइड कर ली कैसे कैसे होती, फिर उसका पोलर को कार्टेशियन को पोलर में चेंज किया, ठीक। उसके बाद हमने क्या किया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हमें चीज़ पता लग गई कि हमें किस वाले पॉइंट में किस वाले प्लेन में हमें चीज़ों को कंसीडर करना है फॉर लिमिट, ठीक। उसके बाद जब लिमिट पता लग गई तो आप सीधे इस चीज़ को दिए गए क्वेश्चन में रख के आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन है वेरियस इजी, बट आपको चीज़ें रिप्रेजेंटेशन ग्राफिकल वे में आपको अच्छे से आना चाहिए, जिससे आप चीज़ों को एनालिसिस करने की कंडीशन में ऑलवेज रहें, ठीक है। तो आज के वीडियो में इस क्वेश्चन के साथ इतने ही, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे एंड